हेलो, मैं हूँ राजेश। आप सभी देखने वाले लोगों को राजेश का नमस्ते। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं। भगवान आप लोगों को सही मार्गदर्शन दें। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वास्तविक आनंद। मानव शरीर उस मंदिर के समान होता है जिसके एक हिस्से में स्वयं ईश्वर का एक अंश विद्यमान होता है। परमात्मा के इस वास को जीवात्मा से जोड़ा गया है। उसी शक्ति से मानव अंग क्रियाशील रहकर विभिन्न अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। सामान्य दशा में यह जीवात्मा व्यक्ति को जीवित रखने के साथ मस्तिष्क को बल प्रदान करके विभिन्न प्रकार के सांसारिक अनुभवों से परिचित कराती है। व्यक्ति जीवन पर्यंत इसी के सहारे आगे बढ़ता रहता है। ईश्वर का अंश होने के कारण इस जीवात्मा में वह असीमित शक्ति भी समाहित रहती है, जिससे मानव असंभव को भी संभव कर सकता है। किंतु उसके लिए आंतरिक स्तर पर जीवात्मा के उस अंश की अनुभूति का अनुभव करना पड़ता है। इस अनुभव की यात्रा आसान नहीं है। इस यात्रा के गंतव्य तक पहुंचने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे जैसे व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता है। बड़ी परीक्षाओं से पार पाने के उपरांत जो प्रबल आनंद प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक आनंद की अनुभूति जीवात्मा की उपस्थिति के अनुसार से होती है। किसी सामान्य परीक्षा के रूप में सफलता का आनंद शनय शनय क्षीण पड़ता जाता है, किंतु जीवात्मा की अनुभूति से प्राप्त परिणाम का आनंद समय के साथ और बढ़ता ही जाता है। इस असीमित आनंद का आधार यही है कि जीवात्मा से ज्ञान शक्ति और क्षमताओं की संपूर्णता का अनुभव होता है। इसी से जीवन में न केवल समय समय पर आने वाली परेशानियों का सुगमता से निराकरण संभव है, अपितु निराकरण की इस समग्र प्रक्रिया में परमानंद की प्राप्ति भी होती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में स्वयं का अनुभव ही मानव जीवन की पूर्णता है जिसके लिए हर मनुष्य को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही वास्तविक आनंद से साक्षात्कार कराने का मार्ग है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, ज्ञानवर्धक चैनल देख वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी शेयर भी करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें।